भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर प्रखंड के इस्माइलपुर बिंटोली में गंगा नदी पर करोड़ों रुपए की लागत से बना बांध मंगलवार की सुबह ध्वस्त हो गया, जिससे नदी के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर प्रखंड के इस्माइलपुर बिंटोली में गंगा नदी पर करोड़ों रुपए की लागत से बना बांध मंगलवार की सुबह ध्वस्त हो गया, जिससे नदी के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। बताया जा रहा है कि ये बांध करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिससे करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। सभी लोग अपनी जान को बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। आपको बता दें कि इस्माइलपुर बिंटोली के बांध पर अपना आशियाना बनाकर सैकड़ों लोग गुजारा कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि करीब 7 और 8 के बीच लगभग 100 फीट बांध कटकर गंगा में समा गया है। इस कटाव से दर्जनों गांव यहां तक कि नवगछिया अनुमंडल भी प्रभावित होगा। ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि ये बांध लूट का खजाना बन गया है, कटाव रोधी कार्य मानक के अनुसार नहीं हुआ है। इधर सूचना मिलते ही भागलपुर जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, SP पुराण झा, BDO जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अधिकारियों द्वारा सूत्रों ने बताया कि गंगा नदी में आने वाले बाढ़ से गोपालपुर क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को बचाने के लिए बनाए गए रिंग बांध के पर संख्या 8 से पास मंगलवार की सुबह गंगा में आई बाढ़ के पानी के दबाव की वजह से करीब 80 फीट बांध का हिस्सा कटकर गंगा में समा गया। रिंग बांध के कटने से बुद्धचक, सैदपुर, लतरा गांव सहित गंगा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाने के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं बांध पर रहने वाले लोगों को भी अन्यत्र भोजन का काम आरंभ कर दिया गया है, ताकि किसी तरह का अप्रिय वारदात की घटना ना हो सके। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे कीलांचल टाइम्स। कीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।